गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आफ्टर वन डे वी आर मीटिंग अगेन. बच्चों मंडे से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले, पीटी टू एग्जाम्स. तो इसमें टू टाइप्स के आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे, ईच सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव वाला तो होगा आपके पहले और सब्जेक्टिव वाला होगा नेक्स्ट डे. अब ऑब्जेक्टिव में होगा आपका गूगल फॉर्म. मैंने कितनी बार आपको गूगल फॉर्म में टेस्ट भेजे हैं, तो आप गूगल फॉर्म से वेल नोन है. पर फिर भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जो लिंक आपके मोबाइल पर आएगा, जो आपके अपनी क्लास ग्रुप में आएगा लिंक, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे वो ओपन होके आपको क्वेश्चन पेपर दिखने लगेगा. और आपको सबसे पहले अपना नेम लिखना है. अगर आप नेम नहीं लिखेंगे तो आपका वो सबमिट नहीं होगा. तो सबसे पहले अपना नेम लिखिए और फिर जो भी आपको ऑप्शन प्रश्न पढ़ते जाएं, तीन तीन ऑप्शन होंगे, उसमें रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं. MCQ जो तीन ऑप्शन या फोर ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपको करेक्ट लगता है ऑप्शन, उसको उसके आगे जो डॉट है उसको क्लिक कर दीजिए, वो आपका आंसर. और आप बदलना चाहें तो भी आप उसको बाद में बदल सकते हैं. फिर ये सारा करने के बाद, जैसे मैच वाला है तो भी उसमें आपको फोर डॉट्स दिखेंगे, आपको लगता है कि ये इसको मैच करना है तो आप उसको मैच कर सकते हैं. उसके आगे नीचे एक सबमिट बटन आएगा, सबमिट लिखा हुआ आएगा नीचे, वहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो जो आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास आ जाएगा. बहुत ईजी है, आप कर चुके हैं पहले कितनी बार. ठीक है, तो ये तो हो गई गूगल फॉर्म. अब आते हैं हम सब्जेक्टिव पे. उस पर आपके क्वेश्चन पेपर आएगा PDF, जैसे आपने पहले PT1 में PDF भेजी थी हमने क्वेश्चन पेपर की, वो आपके पास आएगी और उसमें आपको PDF ओपन करनी है और उसको पेपर को रीड करना है. आपको एक कॉपी लेनी है, चाहे तो आप पेज पिन पेजेस को कर लीजिए या फिर एक ऐसी 3-in-1 कॉपी बना लीजिए जिसमें इंग्लिश के पेजेस भी हो, मैथ्स के भी हो और हिंदी के भी हो. तो इंग्लिश वाले पेजेस में तो आपका इंग्लिश और EVS का टेस्ट हो जाएगा, मैथ्स वाले में मैथ्स का और हिंदी वाले में हिंदी का. तो आपको वो कॉपी संभाल कर रखनी, चाहे आप पिन पेजेस में बनाएं चाहे कॉपी बनाएं, आपको वो संभाल कर रखना है. ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से एक कॉपी में आपको क्वेश्चन पेपर रीड कीजिए और आपको 2:30 जो 2.5 घंटे का जो टाइम है आपको वो मिलेगा. क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर सही डालना है. जैसे आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आया उसका आंसर नंबर 1 लिखा और उसको फिर आपको उत्तर लिखना है या आंसर या मैथ्स जो भी है, एडिशन सॉल्व करनी है, जो भी है टेबल लिखना है ना, जैसा भी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो उस तरीके से आपको ये करना है. कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, सब आप अच्छे से कर पाएंगे, सभी कुछ हमने किया हुआ है, रिवीजन भी हम लोग कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं. ओके बच्चों, तो अभी तक हमने व्याकरण का कर लिया था रिवीजन, आज हम प्रतिभा हिंदी पाठमाला, पहले भी हम कर चुके हैं फिर भी आज और मैं हिंदी पाठमाला ले लेती हूँ पूरी, और फिर भी आपको लगे कि मुझे यहाँ कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. गुड आफ्टरनून अगेन, ये है हमारी प्रतिभा हिंदी पाठमाला. व्याकरण हमने पढ़ ली थी, परिभाषाएं सब मैंने आपको समझा दिया. यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों कविता से. मैंने पहले भी आपको कविता की पंक्तियां पूरी करो समझाया था, जैसे मैंने आपको यहाँ दे दिया फूलों से नित, फिर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, फिर भौरों से नित गाना, फल से, फिर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया सीखो शीश झुकाना. तो जो जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी आपको उस पंक्ति को, उस लाइन को कंप्लीट करना. कैसे करना है देखिए, जैसे फूलों से नित, अब ये लिख के मैंने ये लाइन छोड़ दी, फिर आप भौरों से नित गाना, ये मैंने लिख दी पूरी, फिर फल से, अब फल से लिख के मैंने ये आ
आपको यहाँ ब्लैंक दे दिया। तो यहाँ आपको फूलों से नित आपको लिखना हंसना सीखो, है ना, और फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुका। तो इस तरीके से जो कविता की पंक्तियां हैं आपकी उसको आपको पूरा करना। आपके आपकी कोर्स में तीन कविता, एक तो ये सीखो है, एक वो है मैं गांधी बन जाऊं और नन्हा पौधा, बाकी तो सारे हमारे पाठ हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो आपके लिखित में इस तरीके का प्रश्न भी है। और शब्दार्थ, पहले भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी शब्दार्थ तीन तीन लेसन के, अब तक तो आपसे लर्न कर भी लिए होंगे। ठीक है बच्चों, फिर आता है हमारा प्रश्न उत्तर। सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? तो सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं बच्चों? जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। ऐसे कवि पृथ्वी से सीख क्या सीखने की बात कह रहे हैं? पृथ्वी से सीखो सबकी ने सच्ची सेवा करना। तो क्या कह रहा है कवि? पृथ्वी से हमें सच्ची सेवा करना सीखना है या सीखना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी पाठ के शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और कविता की पंक्तियां याद करनी है। इस तरीके से देखो बढ़िया दावत पाठ दी, उल्लू ने बाघ की को क्या सलाह दी, है ना, और बाघ ने उल्लू की बात क्यों मानी। ठीक है, ये गांधी वाला अभी गांधी जी का है। घड़ी कमर में, जैसे मैंने लिख दिया घड़ी तो आपको लिखना है कमर में लटकाऊंगा, फिर आज तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। तो इस तरीके से एक बार अभी आपने कर भी लिया होगा क्योंकि हम ये रिवाइज पहले कर चुके हैं। फिर हम क्या खाएं, हम क्या खाएं में भी मिनी वाला जो है संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए, जैसे ये प्रश्न है हमें। प्रश्न उत्तर शब्दार्थ के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी है, नाम वाले सभी शब्द संज्ञा होते हैं, उनको आपको नाम वाले शब्दों को रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना, उसके नीचे इस तरीके से लाइन खींचिए, ये देखिए इसको कहते हैं रेखांकित करना। हमें फल भी खाने चाहिए, तो फल क्या है? संज्ञा है, तो हमने उसके नीचे लाइन खींच दी। इस तरीके से ये ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फुदकू मेंढक में आ गए। फुदकू मेंढक में तीन तीन प्रश्न है, नीलू ने क्या निश्चय किया, फुदकू मेंढक को शाबाशी क्यों दी, फुदकू मेंढक क्या बनना चाहता था, और शब्दार्थ ये याद करेंगे, ये भी देख लेंगे मैचिंग। जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? दौड़ने वाले को क्या कहते हैं? धावक। जो जादू दिखाता है वो जादूगर। दुनिया को जीतने वाला विश्व विजयी, और जो चिट्ठी देता है वो डाकिया। ये भी थोड़ा मैचिंग एक्सरसाइज भी देख लेंगे आप लोग। फिर हम बढ़ेंगे नन्हा पौधा पे, बच्चों ने सूखे पौधे के साथ क्या किया, बच्चों के बीच कौन सा खेल शुरू हुआ, तो पौधा किसके बिना सूखा था। और ये जो हमारे जितने भी शब्दार्थ है पाठ 1 से 7 तक आप और प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करेंगे और उसकी छोटी छोटी एक्सरसाइज है उनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर अब हम आते हैं जो पंक्तियां हमने लिखी थी मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय पे भी हमने पंक्तियां लिखी थी कि मेरे विद्यालय का नाम बिरला शिक्षा केंद्र है, इसमें कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है, इस स्कूल के सभी विद्यार्थी नीली पोशाक में आते हैं, इसका भवन बहुत विशाल है, हमारे स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है जिसमें हम खेलते हैं, है ना, और मेरे विद्यालय के सभी कमरे हवादार और साफ और स्वच्छ हैं, मेरे विद्यालय में बहुत ही बड़ा साफ सुथरा हरा भरा मैदान है, और मेरे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती, मेरा विद्यालय शहर के सभी विद्यालयों में सर्वोत्तम है, मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। तो इस तरीके की आप अपने विद्यालय पर, हमारा विद्यालय जो है बिरला शिक्षा केंद्र, उसके ऊपर पंक्तियां लिखेंगे। आपको 5 लिखने को कही जाएगी तो 5 लिखेंगे, पेपर में जितना होगा उतना आप लिखेंगे, 7 लिखने को कही जाएगी तो 7 लिखेंगे, 4 लिखने को कही जाएगी तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो जितना उसमें आए उतने ही नंबर में आपको पंक्तियां लिखनी है, और अगर सिर्फ लिखिए कि मेरा विद्यालय पर पंक्तियां लिखिए तो आपको जितनी लिखवाई गई है उतनी आप लिखिए। ओके, तो मेरा विद्यालय अच्छे से तैयार कीजिए, और मैंने शायद मेरा प्रिय मित्र भी लिखवाया था तो उसको भी अच्छे से तैयार कीजिए, या मेरा विद्यालय और मेरा प्रिय मित्र, इन दोनों को तैयार कीजिए, और अच्छे से शब्दार्थ कविता की पंक्तियाँ लर्न कीजिए,
बहुत अच्छे से आप पेपर कर पाएंगे बच्चों, और जो कॉपी आप बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, उस कॉपी में अपना नेम, पेन पेपर बना रहे हैं नहीं बना रहे तो भी ऊपर जैसे ही स्टार्ट करेंगे PT2 एग्ज़ाम लिखेंगे आप लोग, जो पेपर पे लिखा हुआ आएगा जिस तरीके से, अपनी क्लास लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके, ये सब लिखने के बाद आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, और उसकी PDF बनाकर मैम को सेंड करेंगे जैसा आपने पहले किया था। और जो इमेजेस क्लिक करते हैं प्लीज़ इमेज क्लियर क्लिक करें, नहीं प्रॉपरली दिखेगा तो हमें चेक करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इससे बेटर है कि आप PDF बनाएं, तो उस PDF से हमें क्लियर दिखता है। PDF बनाना बहुत ईजी है, आप कैम स्कैनर या कोई भी स्कैनर जो स्कैन करता है उससे फोटो क्लिक कीजिए और शेयर एज PDF कीजिए, आप PDF सेंड कर पाएंगे, उसकी PDF बन जाएगी। ओके बच्चों, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी पर आपको फोटो तो क्लिक करनी ही होगी, फोटो क्लिक करिए और उसको शेयर एज PDF कीजिए, वो PDF में उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और हम मंडे को एग्ज़ाम में मिलेंगे।